दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट व अलर्ट न्यूज के साथ। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज की उन तमाम बड़ी खबरों की जिन पर बनी रहेगी सबकी नजर। वो साथ ही जानेंगे आज क्या होने वाला है, खास यानी कि आज होने वाला है 21वीं सदी का सबसे बड़ा खगास चंद्र ग्रहण। तो क्या है, कब से सूतक उसका प्रारंभ होगा, क्या है उसकी विशेष जानकारी, साथ ही जानेंगे आज वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना आवश्यक है। साथ ही जानेंगे आज का मौसम पूर्वानुमान कि कहां पे बाढ़ आ सकती है, कहां भारी बारिश हो सकती है, कहां रहेगा सूखा। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको ऐसी अपडेट व अलर्ट न्यूज़ मिलती रहे, वह आप अपडेट रहें देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। दोस्तों पहली अपडेट आपके लिए निकल कर आ रही है मौसम विभाग की वेबसाइट skymetweather.com से। संपूर्ण भारत का 27 जुलाई 2018 का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों देश भर में कैसा बना हुआ है अभी वर्तमान में मौसमी सिस्टम। दोस्तों निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणी उत्तर प्रदेश और इससे जुड़े चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र पर स्थित है और मानसून की अक्षीय रेखा फिरोजपुर, मेरठ, निम्न दबाव के क्षेत्र रांची, बालासोर और फिर पूर्वी दक्षिण पूर्व में पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी से ही होकर गुजर रही है। ट्रफ रेखा की दूसरी शाखा अब हिमालय की तलहटी से होते हुए पूर्वोत्तर भारत तक फैली हुई है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और इसके आसपास के क्षेत्र में एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के निकट बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में स्थित है। 29 जुलाई को बंगाल की खाड़ी पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद जताई जा रही है जिससे मौसमी सिस्टम में थोड़ा परिवर्तन होगा। अब जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया मौसम। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और थोड़ी सी बाढ़ की आशंकाएं देखी गई है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ स्थानों में भारी बारिश हुई है। देश के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां चल रही है। अब जानते हैं आने वाले 24 घंटों का मौसम कैसा रहेगा। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर भारी के साथ काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, वो भी भारी के साथ। देश के बाकी हिस्सों में हल्की वर्षा की गतिविधियाँ देखी जा सकती है और कहीं बूंदाबांदी व हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो यह था मौसम पूर्वानुमान दोस्तों आपके लिए, जिसमें बताया कि कैसा रहेगा आपके लिए आने वाले 24 घंटों का मौसम। तो सावधान रहे आप, यदि इन भारी बारिश के क्षेत्रों में आते हैं सतर्क रहें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट क्या है आपके लिए। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आपके लिए निकल कर आ रही है भारी बारिश से मध्य प्रदेश में इन स्कूलों में छुट्टी हुई घोषित। दोस्तों मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जैसा कि हमने अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग के द्वारा जो बताया गया था। गुरुवार को चंबल संभाग में जारी भारी बारिश और मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि भोपाल मौसम विभाग ने भिंड, मुरैना और श्योपुरकला, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़ और सतना में अगले 12 घंटे में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हर घंटे 15 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा ओरछा, खजुराहो और चित्रकूट जैसे पर्यटन स्थलों में भी भारी बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इसलिए भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए भिंड कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी BS सिकरवार ने भिंड जिले के सभी स्कूलों में गुरुवार और शुक्रवार की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने यह बताया है कि बीते 24 घंटों में मेहगांव 19 सेंटीमीटर, लहार 16 सेंटीमीटर, भिंड 12 सेंटीमीटर, कटनी 10 सेंटीमीटर और ग्वालियर में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश से सोन नदी तो उफान पर है, वहीं भिंड की कई रिहायशी कॉलोनियाँ और इन इलाकों में बारिश के बाद जल जमा हो रहा है। वहीं ग्वालियर में भी गुरुवार सुबह से ही हो रही बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों भोपाल मौसम विभाग ने भिंड के अलावा श्योपुरकला, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, पन्ना और दमोह जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, रीवा, जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर, सागर और चंबल संभाग में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें आ सकती हैं। तो जहाँ भारी बारिश का अनुमान है वहाँ के लोग सावधान रहे, नहीं तो परेशानी पड़ सकते हैं, वह अपने कार्य को
मौसम विभाग के अनुसार समझें, मौसम के अनुसार रणनीति बनाएं। कहीं आपको बाहर जाना है तो पहले वहाँ का मौसम अवश्य जान लें दोस्तों, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं दोस्तों, आपके लिए अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है चंद्र ग्रहण से संबंधित। आज 21वीं सदी का सबसे लंबा और बड़ा खगास चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है दोस्तों। आज दोपहर हम बताएंगे कि इतने बजे से लगने वाला है सूतक, जाने ग्रहण से जुड़ी सारी बातें दोस्तों। सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण आज रात को लगने वाला है। यह ग्रहण रात 11:54 से शुरू होकर अगले दिन 28 जुलाई सुबह 3:49 तक रहेगा, यानी यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसकी अवधि 3:55 तक रहेगी। 27 जुलाई को ग्रहण शुरू होने से पहले दोपहर 2:54 से लेकर 28 जुलाई की रात्रि 3:49 तक के समय को सूतक काल माना जा रहा है, यानी कि 27 जुलाई की दोपहर 2:54, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 3 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और सूर्योदय के बाद सूतक समाप्त तो माना जाएगा 28 जुलाई को सूर्योदय के बाद। चंद्रमा क्यों दिखता है लाल दोस्तों? इस दिन चंद्रमा लाल दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून की घटना कहा जा रहा है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा हमेशा लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्र ग्रहण के वक्त सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस वजह से सूर्य की रोशनी रुक जाती है, ऐसी वजह से चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान करें ये काम दोस्तों, सोने चांदी व तांबे के नाग का काले तांबे की प्लेट में रखकर दान करना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण पर दान पुण्य करना चाहिए, इसका अधिक लाभ मिलता है। ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद स्नान करना चाहिए, इसके बाद जिन चीज़ों को आप दान करना चाहते हो उन्हें स्पर्श कर रखते हैं और अगले दिन दान कर दें। स्नान के बाद यदि संभव हो तो पूजा पाठ करना चाहिए। यदि आप यज्ञोपवीत अर्थात जनोई धारण करते हैं तो आपको जनोई चेंज करना आवश्यक है। चंद्र ग्रहण के दौरान ना करें ये काम दोस्तों। सूतक काल में पूजा पाठ करने से बचना चाहिए, ग्रहण के समय खाना खाने से भी बचना चाहिए, इस दौरान ग्रहण किया गया भोजन अशुद्ध हो जाता है। जिन चीज़ों को आप फेंक नहीं सकते उन्हें खाने पीने की चीज़ों को तुलसी पत्ता डालकर रखें। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल के में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के समय निकलने वाले नकारात्मक किरणें माता और शिशु के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, तो ये सावधानी बरतें आज के इस ग्रहण काल में, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ग्रहण काल में आपको भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, यह भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो आप ये सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको इस ग्रहण का शुभ फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं दोस्तों क्या है आपके लिए अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। डॉलर के सामने लगातार कमजोर हो रहे रुपए का आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है असर। दोस्तों अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी और पूरी दुनिया में ट्रेड वार को लेकर छिड़ी आशंका के कारण डॉलर के मुकाबले रुपए के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। आशंका है कि जल्दी ही अमेरिकी डॉलर 70 रुपए का स्तर पार कर जाएगा। कभी सोचा है कि विदेशी मुद्रा बाजार में होने वाली इस उठापटक का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? हम आपको बताएंगे कि कैसे रुपये के कमजोर होने से आपकी जेब हल्की होगी। डॉलर की तुलना में रुपये के कमजोर होने से उन चीज़ों की कीमतें सबसे पहले बढ़ती हैं जो आयात पर निर्भर रहती है, क्योंकि इन चीज़ों को निर्यातों को आयातित कंपोनेंट के लिए पहले से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसके मद्देनज़र पिछले कुछ दिनों के रुपये में आ रही गिरावट को देखते हुए कार और टेलीविजन बनाने वाली कंपनियाँ जल्दी ही कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा करने जा रही है। जाहिर है कि अगर आप ये दोनों चीज़ें खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप इसका असर सहन कर सकते हैं, वो जल्द ही खरीद लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जीएसटी दरों में रियायती होगी बेअसर। दोस्तों जीएसटी लागू होने के एक साल के दौरान केंद्र सरकार लगभग 400 चीज़ों पर दरों की में कमी कर चुकी है, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई है। लेकिन जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आ रही है उससे तो जीएसटी दरें कम होने के फायदे का स्वाद भी खराब होने की आशंका है। बढ़ सकती है लग्जरी कारों की कीमत। दोस्तों मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसे लग्जरी कारों के निर्माताओं का कहना है कि अगर रुपये के फिसलने की रफ्तार पर रोक नहीं लगी तो उन्हें मजबूरन कीमतें बढ़ानी होगी। ऐसे हालात में उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इनका कहना है कि एशिया की तमाम करेंसी के बीच रुपये की हालत सबसे ज़्यादा खस्ता है और इसमें निकट भविष्य में कोई सुधार भी नहीं आने वाला। मारुति भी तैयारी में है। दोस्तों लग्जरी ब्रांडों के अलावा घरेलू कार निर्माताओं भी कमजोर रुपए का असर महसूस कर रही है, इसलिए अगर मारुति भी अपनी कारों की कीमत बढ़ा देती है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि मारुति अपने ज़्यादातर कल पुर्जे देश से ही खरीदती है, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिन्हें आयात भी करना पड़ता है। इसके अलावा मूल कंपनी सुजुकी को रॉयल्टी पर भी विदेशी मुद्रा का खर्च होता है। टीवी निर्माताओं ने भी कसी कमर। दोस्तों सोनी, पेनासोनिक और थॉमसन टीवी के निर्माताओं को कहना है कि वे भी अगले महीने कीमत बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।
32 इंच की टीवी की कीमत में 15% और इससे बड़े आकार की टीवी कीमत में 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है। टेलीविजन निर्माताओं की स्थिति पर नजर रखते हुए अगर रुपए में सुधार नहीं होता है तो कीमत बढ़ाना तय है। तो दोस्तों, आप भी यदि कार खरीदना चाहते हैं, टेलीविजन खरीदना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द खरीद ले, नहीं तो कुछ ही दिनों में कीमतें बढ़ने के आसार हैं। यह था आपके लिए एक बेहतरीन अलर्ट। अब बात करते हैं आज की उन तमाम बड़ी खबरों की जिन पर बनी रहेगी सबकी नजर। दोस्तों, पहली खबर आपके निकल कर आ रही है, हेमा मालिनी बोली, एक मिनट में मुख्यमंत्री बन सकती हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा है कि वो अगर चाहे तो एक मिनट में मुख्यमंत्री बन सकती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा ने सांसद हेमा मालिनी ने गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूं तो एक मिनट में मुख्यमंत्री बन सकती हूं, लेकिन मुझे बनना पसंद नहीं है, इससे मेरी आज़ादी समाप्त हो जाएगी, इसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं हूं। उन्होंने बताया कि सवाल के जवाब में कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनना पसंद है, इस साल के जवाब में उन्होंने यह जवाब दिया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी बातचीत से स्पष्ट है कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बात कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि संसद में प्रवेश करने से पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी काम किया था। अगली अपडेट है आपके लिए, कांवड़ रूट पर मीट की बिक्री बंद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मीट की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही प्रतिबंध करीब दर्जन भर जिलों पर लागू होगा। निगरानी के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर, पुलिस, गश्ती दल और एम्बुलेंस को लगाया गया है। महिला कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इससे जुड़े निर्देश जिला मजिस्ट्रेट को 20 जुलाई को ही जारी कर दिए थे। बीते सालों में हुई घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। इसमें सोशल मीडिया के तहत अफवाहें फैलाना, कांवड़ियों और दुकानदारों के बीच विवाद, अल्पसंख्यकों की बस्ती से गुजरते वक्त डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, शराब की दुकानें, मीट की दुकानें, कसाई घर और मांसाहार भोजन परोस रहे होटलों पर कांवड़ियों का प्रदर्शन जैसी घटनाएं शामिल है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा शनिवार को शुरू होकर महीने भर तक चलेगी। अगली अपडेट है आपके लिए, बदले का पश्चिम बंगाल का नाम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में गुरुवार को दूसरी बार राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला किया जाएगा। राज्य सरकार अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी। पिछले साल 29 अगस्त को भी ममता बनर्जी सरकार ने विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी समय से पश्चिम बंगाल का नाम सभी भाषाओं में बांग्ला रखे जाने पर जोर देती रही। हालांकि भाजपा नेता उनके इस प्रस्ताव की आलोचना कर रहे हैं। भाजपा के अनुसार राज्य का नाम पश्चिम बंगाल से बदलकर पश्चिम बंग किया जाना चाहिए। अगली अपडेट है आपके लिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले की जांच। दोस्तों, भारत सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीबीआई को फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले की जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय आईटी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में इसकी सूचना दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सीबीआई इसकी भी जाँच करेगी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भारत के किन कानूनों का उल्लंघन किया है। साथ ही सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश भी करेगी कि ब्रिटेन की इस कंपनी ने भारतीयों के डेटा तक पहुंची बनाने की अपनी शाख कैसे फैलाई। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अब तक भारतीयों का डेटा चुराने की बात नकारी है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट्स के खुलासा किया था कि ट्रंप कैंपेन से जुड़ी इस कंपनी ने साल 2014 में फेसबुक यूजर्स का डेटा गलत तरीके से हासिल किया था। मामले का खुलासा होने के बाद भाजपा ने आरोप लगाया है कि साल 2019 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस इस कंपनी की सेवाएं ले रही है। ये मामला सामने आने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी संसद के सामने पेश होना पड़ा था। हाल ही में इस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित किया था और कंपनी ने तब भी किसी गलत काम के शामिल होने से इनकार कर दिया था। अगली अपडेट है आपके लिए, तुर्की और अमेरिका में ठनी। दोस्तों, तुर्की ने कहा है कि वो हिरासत में लिए गए अमेरिकी पादरी के मामले में अमेरिका की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। पादरी एंड्रयू बंसन को चरमपंथ के आरोप में हिरासत में लिया गया है और उन पर चल रहे मुकदमे से नेटो सहयोगी देश अमेरिकी और तुर्की के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से पादरी को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका तुर्की पर व्यापक प्रतिबंध लगाएगा। वहीं तुर्की ने विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू, उनका देश किसी के आदेश नहीं मानेगा और कानूनी व्यवस्था के मामले में किसी को छूट नहीं दी जाएगी, यह उनका बयान था। पादरी एंड्रयू ब्रंसन पर कुर्द विद्रोहियों और 2 साल पहले तख्तापलट की साजिश रचने के अभियुक्त धर्मगुरु फैतुल्लाह गुलेन की मदद करने के आरोप है।
दोस्तों ये थी आपके लिए वो तमाम बड़ी अपडेट खबर जिन पर बनी रहेगी सबकी नज़र। साथ ही हमने जाना आज होने वाली विशेष घटना चंद्र ग्रहण के बारे में, कब से लगेगा सूतक यह भी जाना, और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है जाना, साथ ही जाना कहाँ पर भारी बारिश की आशंका है, और यह भी जाना कि आज मौसम का पूर्वानुमान। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की वो सभी तरह की तमाम बड़ी खबरें प्राप्त करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट न्यूज़ मिलते रहे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी लोग आज की बड़ी खबरों को जान सके, साथ ही आज होने वाली 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना को जान सके, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है यह भी समझ सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।